चटनियाँ हम कई तरह की बनाते हैं, लेकिन प्याज की चटनी बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल और टेस्टी होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कश्यप्स किचन चैनल। आज हम बनाएंगे प्याज की चटनी, जो कि बहुत जल्द तैयार हो जाती है। इस चटनी को आप प्लेन रोटी, पराठा या फिर ब्रेड के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी और इसकी सेल्फ लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। तो रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिए और पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आइए देखते हैं कि ये चटनी कैसे बनती है। इसे बनाने के लिए एक पैन गरम करेंगे और इसमें ऐड करेंगे हम 1 टेबलस्पून धनिया के बीज, साथ में ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा और इसके साथ ही इसमें जाएगा 1 छोटी चम्मच सौंफ। इन सबको हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से अच्छी खुशबू ना आने लगे। तो 5 से 6 मिनट लगेगा इसे भूनने में। लगभग 1 मिनट भूनने के बाद आप इसमें सूखी लाल मिर्च ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने 5 सूखी लाल मिर्च ली है। इसकी क्वान्टिटी कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कुछ देर भूनने के बाद इसमें से अच्छा खासा धुआं आने लगा है और इसका कलर भी चेंज हो गया। तो अब इसे एक प्लेट में बाहर निकालेंगे। इसे पैन में मत छोड़िए, क्योंकि पैन गर्म होता है तो ये बहुत ज़्यादा रोस्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे कोर्सली ग्राइंड कर लेना है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 5 मीडियम साइज़ के प्याज को लंबे स्लाइसेज में कट कर लिया है। ना बहुत ज़्यादा मोटा रखा है, ना बहुत ज़्यादा पतला है, ये देखिए। और इसके साथ ही हमें 1 गांठ लहसुन का चाहिए, जिसे अच्छी तरह से पील कर लेंगे। तो लहसुन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे इस रेसिपी के लिए। तो सबसे पहले इन दोनों को हमें फ्राई करना है, जिसके लिए एक पैन गरम किया है मैंने और इसमें डाला है 2 चम्मच सरसों का तेल। अगर आपको सरसों के तेल का फ्लेवर अच्छा ना लगे तो रेगुलर ऑयल यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा, हम इसमें लहसुन की कलियों को ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर लगभग 1 मिनट के लिए हमें इसे भूनना है। बहुत ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करेंगे। जैसे ये गुलाबी हो जाए तब हम इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज को हमें तब तक भूना है जब तक इसका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो बीच बीच में चलाते हुए इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भूनिए मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है और अभी ये ट्रांसलूसेंट हो गया है। तो प्याज को पूरी तरह से यहाँ पर फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि बाद में जब हम फाइनली चटनी तैयार करेंगे तब हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज को हमें इस स्टेज तक भूनना है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और जब ये ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा, तब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और एक स्मूथ पेस्ट तैयार करेंगे। तो इन सबको करने के बाद अब फाइनली हम चटनी बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए एक पैन गरम किया है मैंने। इसमें ऐड किया है मैंने 1 टेबल स्पून सरसों का तेल, साथ में गया है 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच सरसों के बीज, 1/2 छोटी चम्मच यहाँ पर कलौंजी ऐड करेंगे और यहाँ पर 10 से 12 पत्ते कड़ी पत्ते के लिए मैंने। सबको अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पे मैं हींग भी ऐड करूँगी, अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बाद में उसे ऐड करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, अच्छी तरह से सबको भून लिया है। मसाले को बहुत अच्छी तरह से भूनना बहुत ज़रूरी है ताकि चटनी की सेल्फ लाइफ काफ़ी अच्छी रहे। अब डालेंगे इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा चटनी में। और इसे कुछ देर के लिए भूनेंगे और यहाँ पर गैस का फ्लेम लो रखिए ताकि मसाला जले ना। तो जैसे ही हमने मसाले को भून लिया, तो यहाँ पे देखिए हमने प्याज और लहसुन का पेस्ट बना के रखा है, उसे ऐड कर देंगे तेल में और इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे, बाद में हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए तेल के साथ ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और कलर आप देख सकते हैं बहुत अच्छा आया है। तो यहाँ पे पेस्ट को हमने तेल में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच हींग। खटाई के लिए ऐड करेंगे आमचूर पाउडर 2 छोटी चम्मच। आमचूर पाउडर की जगह पे आप इसमें इमली का पल्प भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मसाला पाउडर हमने तैयार किया है, जिसे हमने सबसे पहले ड्राई रोस्ट किया था। लगभग 2 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर दीजिए। अब डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून सफ़ेद तिल, इसका क्रंची टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस चटनी में। अब सबको अच्छी तरह से लो फ्लेम पे हमें तब तक मिक्स करते हुए भूनना है जब तक इसमें से तेल पूरी तरह से अलग ना हो जाए। प्याज और लहसुन का पेस्ट जितनी अच्छी तरह से मसालों के साथ भुनेगा, चटनी की सेल्फ लाइफ उतनी ही अच्छी रहती है। सबको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दिया है मैंने, 1/2 छोटी चम्मच डाला है। अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो जैसे ही प्याज और लहसुन का पेस्ट मसालों के साथ अच्छी तरह से भुन जाएगा, तो आप देखेंगे कि उसने साइड से तेल को पूरी तरह से छोड़ दिया है। तो यहाँ पे नमक को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, काफ़ी थिक लग रहा होगा आपको, ये देखिए। यहाँ पे मैंने 1/4 कप पानी ऐड किया है इसमें। मिक्सिंग जार को वॉश करके पानी डाला है, जिसमें हमने लहसुन और प्याज के पेस्ट को तैयार किया था ताकि फ्लेवर अच्छा आ जाए इसमें।
अब इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक ये पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए, और गैस का फ्लेम यहाँ पे हमें बिल्कुल कम रखना है, लो रखिए। तो 4 से 5 मिनट तक इसे बीच बीच में चलाते हुए अच्छी तरह से भूनिए, तो आप देखेंगे कि इसने पूरी तरह से तेल को अलग कर लिया है और इसका टेक्सचर काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। तो लगभग 5 मिनट भूनने के बाद साइड से इसने तेल छोड़ दिया है और यहाँ पे आप चटनी का टेक्सचर देख सकते हैं, काफ़ी स्मूथ हो गया है ये देखिए, और कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो इस चटनी को थोड़ा सा ठंडा करने के बाद आप एयरटाइट कंटेनर में इसे स्टोर कर लीजिए। 10 से 12 दिनों तक ये रूम टेम्परेचर पे ख़राब नहीं होगी। अगर आप इसे फ्रिज में स्टोर करना चाहते हैं तो 1 से 1.5 महीने तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। इस चटनी की आप सैंडविचेस भी बना सकते हैं जो कि बहुत टेस्टी लगती है। स्लाइसेस पे आप इसे स्प्रेड कर दीजिए और उसके बाद उसे टोस्ट कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि कितनी सैंडविच टेस्टी लगती है। तो इस रेसिपी को बिल्कुल इसी तरह से ट्राई कीजिए, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। अगर अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिए। मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इस रेसिपी का इन्ग्रीडियंट्स लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। मेरी नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।